हेलो एवरीवन, माय नेम इज अनुज कुमार। आज मैं आपके सामने पार्ट टू बीपीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2018 बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का लेकर आ जाऊँ। जैसे कि पिछली वीडियो में आपको 57 क्वेश्चन सॉल्व कराए थे, अब मैं वहाँ से आगे चलूँगा, इसको पूरा कवर करूँगा। जैसे कि आपके सामने 57 क्वेश्चन है, कोका शब्द का संबंध किस खेल से है? जूडो। कथकली लोक नृत्य किस राज्य में प्रचलित है? केरल। कथक यूपी में। नेक्स्ट आपके सामने विश्व में सबसे बड़ी झील कौन सी है? कैस्पियन सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी प्रथम भारतीय फिल्म ऑस्कर में मनोनीत हुई? मदर इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, व्हाट डज पेन स्टैंड फॉर? परमानेंट अकाउंट नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, भारत रत्न प्राप्त करने वाली प्रथम महिला इंदिरा गांधी, भारत की पहली महिला फर्स्ट पीएम। वूमेन। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और भारत रत्न प्राप्त करने वाली भारत की पहली महिला इंदिरा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, टू विच कंट्री डज ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट जूडो बिलोंग? जूडो जो गेम है वो किस गेम से संबंधित है? जापान। अब थोड़ा सा मैं डिस्कस कर लेता हूँ। क्वेश्चन पूछता है, नेपाल की कैपिटल? काठमांडू। काठमांडू। चीन की पूछता है, बीजिंग। जापान की पूछता है, टोक्यो। ये यहाँ पर गलत है, दक्षिण कोरिया है, उत्तरी कोरिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, सऊदी अरब की मुद्रा क्या है? रियाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉपुलेशन, इसको हिंदी में भी देखना पड़ेगा, यस, पॉपुलेशन एक्सप्लोशन इन अ कंट्री मीन्स? देश में जनसंख्या विस्फोट का अर्थ क्या है? उच्च जन्मदर और निम्न मृत्यु दर। जब उच्च जन्म दर ज़्यादा हो और निम्न मृत्यु दर कम हो तो वहाँ पर जनसंख्या विस्फोट का देखने को मौका मिलेगा आपको। जैसे कि आबादी बढ़ रही है और उसका अंत नहीं हो रहा है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं पॉपुलेशन बढ़नी बढ़नी है और देश में जनसंख्या विस्फोट देखने को मिलेगा। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, खालसा के संस्थापक कौन है? खालसा गुरु गोविंद सिंह। सिखों के दसवें गुरु, अंतिम गुरु, अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह। भारत, भारत में गुरु गुरु नानक जो देव थे उन्होंने सिख धर्म की स्थापना की। किसकी? सिख धर्म। क्वेश्चन पूछता है आपसे कि सिख धर्म के संस्थापक कौन है? गुरु नानक। गुरु नानक भारत के पहले गुरु हैं जिन्होंने सिख धर्म की स्थापना की। किसी भी टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। सिख धर्म के अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, डाटा प्रदर्शन के लिए कंप्यूटर को किसकी आवश्यकता होती है? मॉनिटर। विश्व के सबसे बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क? इंटरनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, द वर्ड मॉडम स्टैंड फॉर? मॉड्यूलेटर, डिमॉड्यूलेटर, ये मॉडम की फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जिसको बोलते हैं ILO, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा। कहाँ है? जेनेवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, नाव दौड़ किस त्यौहार की खास विशेषता है जिसको हम बोलते हैं ओणम? केरल का एक राज्य त्यौहार है जो बहुत धूमधाम से मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने,
निम्नलिखित में कौन मुख्य जल व्याधि है? इंग्लिश में आपको बता देता हूँ पढ़ के। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मेनली वाटर बॉर्न डिजीज, इसको हम बोलते हैं हैजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 2016 ग्रीष्म ओलंपिक खेल का आयोजन कहाँ हुआ? रियो डी जेनेरियो, ब्राजील। ब्राजील। नेक्स्ट, 2020 के ओलंपिक जापान, मगर जापान में COVID-19 के कारण अब वो 2021 में होंगे। कब होंगे? 2021 में, क्योंकि 2020 में जो ओलंपिक होने वाले थे उनको कोरोना वायरस के कारण अब 2021 के लिए टाल दिया गया। वही ओलंपिक उसी कंट्री में 2021 में होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में से किस राज्य की साक्षरता दर सर्वाधिक है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज हाईएस्ट रेट ऑफ लिटरेसी? केरला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डबल फॉल्ट किस केस से संबंधित है? टेनिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हेल्प इन डाइजेशन? निम्नलिखित में से कौन पाचन में मदद करता है? लीवर। कौन करता है? लीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, पीलिया में कौन सा अंग सबसे अधिक प्रभावित होता है, जिसको हम बोलते हैं जॉन्डिस? तो इसमें जो प्रभावित होता है आपका लीवर। किधर गया लीवर? लीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ई जो यूज किया जाता है वो किसकी जांच के लिए किया जाता है? तो हार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, महिला बॉक्सर एमसी मैरी कौन राज्य की है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आज पहली बार एमसी मैरी कॉम का यहाँ पर पूरा नाम लिखा हुआ है, मंगते सुंगचिंग मैरी कॉम। मंगते सिंग चुंग मैरी कॉम, आप सोच सकते हैं कैसा नाम है इनका, ठीक है ना? तो इसका जो आंसर है वो है मणिपुर। मैरी मैरी कॉम कहाँ रहने वाली है? मणिपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, सारे जहाँ से अच्छा की रचनाकार कौन है? मोहम्मद इकबाल। मोहम्मद इकबाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईपीएल फुल फॉर्म इंडियन प्रीमियर लीग। इंडियन प्रीमियर लीग किधर गया? इंडियन प्रीमियर लीग। आंसर इज 3। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, चेतन शर्मा किस से संबंधित है? क्रिकेट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई दिल्ली में पहली बार एशियन गेम्स कब हुए? 1951, फिर दूसरी बार 1982। इस बात को याद रखेंगे। जैसे कि आपके सामने पूछता है एशियन गेम्स के संस्थापक कौन है भारत में? जी डी सोंदी। जी डी सोंदी। एशियन गेम्स के जो मूवमेंट का जो श्रेय जाता है जी डी सोंदी को जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट वॉचमैन शब्द का प्रयोग किससे होता है? टेस्ट क्रिकेट। किससे? टेस्ट क्रिकेट। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपके सामने, व्यक्ति पानी से डरता है, रेबीज। क्या है? रेबीज। जब कुत्ता काट जाता है तब उसको रेबीज हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, द कैपिटल ऑफ मणिपुर इज। मणिपुर की राजधानी क्या है? इम्फाल। GIF की फुल फॉर्म पूछा है, ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। आंसर इज 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर द वे ऑफ एक्वायरिंग इंडियन सिटीजनशिप? निम्नलिखित में भारतीय नागरिकता प्राप्त करने का तरीका, जन्म से, वंश क्रम से, नेचुरल। उपरोक्त। आंसर 4।
इन तीनों तरीके से हम भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। एक और है इसमें दिया नहीं, इसको हम बोल दे पंजीकरण के आधार पर। नेक्स्ट है आपके सामने क्लास स्टैंड फॉर, क्लास की फुल फॉर्म पूछ रहा है यहाँ पर। क्लास की जो फुल फॉर्म है कंप्यूटर लिटरेसी एंड स्टडीज इन स्कूल, क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इन अ फ्यूल सेल ड्रिवन व्हीकल द एनर्जी इज ऑब्टेंड फ्रॉम हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोशल नेटवर्क, ट्विटर, क्या है ट्विटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेलीफोन मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन वाज द फर्स्ट डेवलप इन द एरिया, इंफॉर्मेशन थ्योरी, क्या है सूचना सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्राइमरी सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक पॉल्यूशन, फ्रेश वाटर बॉडीज, ताजल क्षेत्र में जैविक प्रदूषण का प्राथमिक स्रोत, तो आंसर है इसका सीवेज, आंसर इज 3, बहता मलग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिकार किस केंद्रीय मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आंसर इज 3, गृह मंत्रालय, NDRF जिसको बोलते हैं वो गृह मंत्रालय के अंदर आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूनिवर्सिटीज हैज अडॉप्टेड द मेटा यूनिवर्सिटी कंसेप्ट, दिल्ली यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित हो गया ये क्वेश्चन, तो विच इज द स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत की अति प्रभावशाली विशेषता क्या है, एक रूप कानून, यूनिफॉर्म लॉ, सबके लिए समान कानून भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, द टर्म येलो जर्नलिज्म रेफर टू, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आंसर इसका है 1, आतंकवाद तथा हिंसा के बारे में संसिखेज समाचार पत्र, ये अमेरिका में यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, मीडिया इज नोन एज, मीडिया को जाना जाता है भारतीय संविधान का चौथा स्तंभ, भारतीय संविधान का चौथा स्तंभ, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजिटल एम्पावरमेंट मीन, सूचना ज्ञान तक पहुंच प्रदान करना, आंसर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, लास्ट क्वेश्चन, वर्ष 2017 में किस देश ने अंडर 17 सॉकर वर्ल्ड कप आयोजित किया, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अब इसको अब 2020 चल रहा है तो इसको देखेंगे, अंडर 17 जो वर्ल्ड कप अभी जो हुआ था वो किस कंट्री में हुआ था 19 में, इसका आंसर है इंडिया, क्या है इंडिया। थैंक यू।